ये कौड़ी राम का क्षेत्र है और यहीं से ये रास्ता आगे कौड़ी राम को चला जाता है जैसा कि आपको दिख रहा है। और आगे आपका ये मंदिर है जहाँ पे बगहा वीर बाबा मंदिर है और वहाँ पे ये सड़क धस गया है। मित्रों, ये जो आप रोड देख रहे हैं ये कौड़ी राम रोड जाता है जो कि गोरखपुर से इलाहाबाद और बनारस को जोड़ता है। और यही वो जगह है जो कि बाढ़ के समय बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। और दो तीन दिन पहले आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरी की पूरी रोड आपकी यहाँ से वहाँ तक फंस गई है। आपको हम पूरा का पूरा दिखा दे रहे हैं ऊपर करके। ये पूरा का पूरा क्रैक हुआ है और उस साइड में नदी है ये, और ये रोड आपकी दिख रही है पूरी की पूरी जो आपका मार्ग है नेशनल हाईवे, ये धस गया है। इसीलिए बड़ी गाड़ियां जो है आगे ये बड़हलगंज से होके इसको डाइवर्जन कर दिया जा रहा है गोरखपुर के लिए। बड़ी गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं, छोटी गाड़ियां जो है इसी रास्ते से आ रही हैं, किसी तरीके से उनको भेजा जा रहा है गोरखपुर के लिए या फिर अन्य जगहों के लिए। ये वही रोड है, देख लीजिए पूरी की पूरी क्षतिग्रस्त हुआ हुआ है। ये बुधवार को ये रोड धस गया था पूरा, हालांकि फोर लेन का काम चल रहा है एक तरफ, लेकिन इसी पे अभी गाड़ियों का संचालन हो रहा था। जैसे इधर देखिए फोर लेन का काम चल रहा है, जेसीबी मशीनें और मशीनें खड़ी हुई हैं, लेकिन अभी इसमें वक्त लेगा। तो अभी जो भी गाड़ियां हैं इलाहाबाद से और आपके बनारस से गोरखपुर होकर गुजरने वाली गाड़ियाँ इसी रोड पर आती हैं। और ये वही जगह है जहाँ पे सड़क जो आपकी धस गई थी बुधवार को, इसलिए इस गाड़ियों पर, इस सड़क पर और इस सड़क पर गाड़ियों का संचालन बंद कर दिया गया है। जो भी बड़ी गाड़ी है वो आगे बड़हलगंज से उसका डाइवर्जन कर दिया जा रहा है और वो खजनी होते हुए गोरखपुर आ रही है। सड़क का भी बुरा हाल है इधर। ये नदी आप देख सकते हैं, ये आमी नदी है, ये आमी नदी का भी विकराल रूप ही है, अभी भी ये शांत नहीं हुआ आमी नदी। सड़क का भी अभी बुरा हाल है और ये जो भी अभी फोर लेन का निर्माण हो रहा है इसमें अभी टाइम लगेगा, काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो अभी जो भी गाड़ियां हैं इसी रास्ते होकर गुजरनी है गोरखपुर के लिए।